यार जब से लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड शिफ्ट हुआ ना, बस मन यही करता है कि कहीं दूर पहाड़ों में एक घर हो और मेरे पास मेरी कार हो और उसमें बैठे मेरे पुराने सारे यार हों और कार की डिग्गी में हमारे जैक भाई का गिटार हो और ऐसे ही घूमते फिरते गाते गाते यारों की यारी में ज़िंदगी बस यूं ही गुजर जाए। जैसे दिसंबर या नवंबर में तो यहाँ पे आपको सामने पूरी हिमालय श्रृंखलाएं साफ साफ दिखाई देंगी। तो हाय मानस, हाउ आर यू? से हाय। हेलो सर, आ गया। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज दूसरा दिन है, कल मेरे दोस्त लोग आ गए थे, मैं तुम्हें बता रहा था ना कि अल्मोड़ा से लोग मिलने आए थे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस अमित भाई हमारे, इनको तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा है ऑलरेडी। और ये हमारे कुलदीप भाई हैं, ये इनको आपने फर्स्ट वीडियो में देख रहे हैं आप, और आई होप कि आने वाली सारी वीडियोस में ये भी हमारे साथ रहेंगे। और हमारे हैवी ड्राइवर जैक भाई तो ये एक नंबर गिटारिस्ट है, तो काफ़ी अच्छा लगा जैक भाई से मिलके। और जहाँ भी जाते हैं अपना गिटार लेके जाते हैं, और अगर जैक भाई भी अगर नेक्स्ट ट्रिप में ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को अमेजिंग सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। और अगर आपने कल की वीडियो में गाने वगैरह सुने होंगे तो बताना मुझे कैसे लगे सब। जैक भाई और मेहता जी हमारे लीड सिंगर और अमित भाई हमारे मेन थीम राइटर, कैसे सॉन्ग होना है क्या होना है सारा डायरेक्टर साहब हमारे यही हैं। तो बस फिलहाल अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारे आए हुए हैं जो फ्रोजन वुड्स का कैफ़े है, तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ के जो आसपास लोकल एरिया है उसे एक्सप्लोर करेंगे। कुलदीप अमित, सो मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ। सो नहीं, अल्मोड़ा ही है, वर्क फ्रॉम होम। हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, मतलब ये हमारा कॉलेज से मिला, बाकी हम तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग हिल टॉप व्यू जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल पास में ही है, नज़दीक में रिजॉर्ट से। तो ये जो रोड है यहाँ से थोड़ा सा आना पड़ता है, फिर यहाँ से इस तरह से रास्ता ऊपर को हिल टॉप को जाता है। तो अभी हम चलते हैं, देख के आते हैं वहाँ से कैसा है व्यू, और आप लोगों को अमेजिंग व्यू के साथ साथ ड्रोन शॉट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहें। और इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि यहाँ से अगर आप मुक्तेश्वर की साइड आते हो तो इस फ्रोजन वुड रिजॉर्ट के बाद आप कहाँ कहाँ और जा सकते हो। तो इसके बाद हम लोग कहीं और जाने का प्लान कर रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हम लोग लाइव एंटरटेनमेंट लेके चल रहे हैं अपना। जैक भाई हमारे गिटारिस्ट जो है, हमारे लीड गिटारिस्ट, अपने साथ जहाँ जा रहे हैं वह गिटार छोड़ ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल एकदम गिटार को जय लग गए हैं फाड़ी में। और जैक भाई कुछ सुनाओ बढ़िया धुन, ताकि हमारा ट्रैक सुकून से जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। जैक भाई ने चिमटी लगा ली अपनी। देख देख देख, मुझे कितना पड़ा है, मैं तो खुबू कर रहा हूँ। कहाँ है? वो देखो देख स्पीड में। भाग नहीं भाई, भाग नहीं, भाग के काट। भाग नहीं, चलो चलो। ये याला बड़ा नहीं, चलो। देख यहाँ से देख। चलो चलो। भाग जा लग रहा, भाग। भाई बहुत बड़ा है ये, मजाक नहीं है। गिटार मार देना सर मेरे को। सो गाइस, थोड़ा सा ही ऊपर चल के हम लोग हिल टॉप व्यू पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देखोगे, मुझे लगा था यहाँ पे रॉ होगा एकदम, लेकिन तो यहाँ पे पार्क बनाया हुआ है प्रॉपर। ये गेट है यहाँ पे, ये देखिए। तो अभी ये थोड़ा सा पार्क तो सूखा सूखा सा है, और यहाँ से व्यू भी थोड़ा पेड़ों के वजह से छुप रहा है अभी, लेकिन और आ गया दोस्तों। अच्छा, ये पार्क पार्क करके कहीं टॉप में जाना होगा शायद। ए बंदर हो ही रहे यार यहाँ, एक और दिखा मुझे।
सो गाइस ये है यहाँ पे हिल टॉप व्यू, और जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे आके थोड़ा सा लंच वंच कर सकते हो पिकनिक मनाने के लिए, वो भी अच्छी स्पॉट है। बट गंदगी मत करना, प्लास्टिक व्लास्टिक मत फैलाना यहाँ। और बाकी अगर आते हो आप तो यहाँ पर आपको सामने व्यू देखने को मिलेगा, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। या अभी एक्चुअली यहाँ पर ना धुंध के वजह से उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप दिसंबर के टाइम में आते हो, नवंबर के टाइम में आते हो, तो यहाँ से पूरा ऐसा हिमालयस की रेंज दिखती है, और यहाँ पे बैठ के आप आराम से अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। काफ़ी लोग सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे मॉर्निंग वॉक ले आते हैं, तो अगर आप इस रिजॉर्ट पे आ रहे हो तो आप सुबह घूमने के लिए यहाँ आ सकते हो। ये अच्छा सनसेट व्यू भी है यार यहाँ तो। सो गाइस अभी थोड़ा सा बैठ के हम लोग यहाँ पे चिल मार लेते हैं। जैक भाई हमें कुछ गाने वाने सुनाते हैं यहाँ पे, तो गाने वाने सुनते हैं। जानिए मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, ये है अनकही जो है अनसुनी, बात क्या है बता मितवा, कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा, ये मारेगी ज़ियादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी जानसार है, जानसार मेरे प्यार से मेरे यार जानसार, ओ तो गाइस हम लोग निकल गए हैं फ्रोजन वुड्स रिजॉर्ट से, और अभी हम जा रहे हैं सात ताल लाइट सात ताले। तो यहाँ पे तीन चार जगह एक साथ आप एक सर्कल के वे में घूम सकते हो हल्द्वानी वापस जाते वक्त। जैसे यहाँ से आप पहले वहाँ जा सकते हो सात ताल, फिर भीम ताल, तो कहीं जब आप सतखोल से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक रामगढ़ नहखाना करके पड़ता है। हमारे क्या नाम है भाई साहब? श्याम सिंह दादू मिले हैं हमारे, इन्होंने हमें बताया, हमें थोड़ा पानी वानी तो रुके थे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, जो यहाँ पे आपको एक पुल दिख रहा है पीछे ब्रिटिश टाइम का, ये ब्रिटिश के जमाने का पुल है, अंग्रेजों के जमाने का। स्टार्टिंग में जब अंग्रेज थे यहाँ पे तो यहाँ पे पुल हुआ करता था, झूला पुल, झूला पुल था। अच्छा, तो कैसे टूट गया होगा दादू? ये गवर्नमेंट ने टूटवाई ने, अच्छा नया बनाने के लिए एंटी तिवारी ने बनवाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस अगर आप आते हो तो आप आराम से घूमते फिरते आ सकते हो, यहाँ रामगढ़ में पुल वगैरह में रुक के फोटोग्राफी कर सकते हो, नीचे रिवर में जाके भी फोटोग्राफी कर सकते हो। सो गाइस हम लोग इस चौराहे पे पहुंच गए हैं, यहाँ से सात ताल के नीचे रोड कटती है। ये ऊपर से जो रोड है वो भीमताल से आ रही है, और ये नीचे जो है ये हल्द्वानी को जा रही है। और यहाँ से जैक भाई हमारे हल्द्वानी जा रहे हैं, इनको कुछ काम है, कल होली मनाएंगे वहाँ घर जाके। इनसे हम कितना कोशिश कर रहे हैं ये रोकने के लिए, रुक नहीं रहे हैं हमारे साथ, लेकिन काफी अच्छा लगा जैक भाई आपके साथ, मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा गिटार बजाते हैं क्या हुआ? इंसिडेंट्स का भी बाद में बताएंगे जब हमारे साथ आएंगे, थोड़ा और समय बिताएंगे, है ना। चलो फिर मिलते हैं एक बार। तो गाइस सात ताल में जैसे हम पहुंचे थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पार्किंग के लिए जगह ही नहीं थी बिल्कुल एकदम। तो हमें सोचा कि यार कोविड के दौरान भीड़ भीड़ तो अवॉइड करनी चाहिए, तो हमने कैंप साइट ढूंढी है जो कि बिल्कुल अलग है और जंगल के बीच में यहाँ पे। तो हमने गाड़ियाँ पीछे लगा दी है, अभी फिलहाल हम ट्रैक करके जा रहे हैं अपनी कैंप साइट में, जो कि यहाँ से तकरीबन 500 मीटर का ट्रैक है बता रहे हैं भाई हमारे। बब्बू भाई एकदम फुल पहाड़ी स्टाइल में अपना चालू हो गए हैं। अरे पलट तो जाओ बब्बू भाई, ये भैया क्या नाम हुआ आपका? नाम तीनू। आपकी कैंप साइट का नाम क्या हुआ भैया? सो गाइस तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद हमारी कैंप साइट आ गई है भाई की। ये लोगो माहौल सेट करके रखा हुआ भाई ने एकदम, हैं कैफेटेरिया भी अच्छा बनाया हुआ है। हाँ बहुत बढ़िया, लकड़ी का बड़ा अच्छा बना रखा है। अरे
क्या नाम बताया भैया गांव का है? पतोनिया। पतोनिया सात ताल। बहुत बढ़िया। डॉगी डॉगी, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अरे दादी ये भूमू कर रहा, काटेगा तो नहीं? हमारा घर आ गया है आज के लिए। अरे मेरा माइक झड़ गया। सो गाइस, हम लोगों ने टेंट वेंट लेके अपना सामान वगैरह रख लिया। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे मैगी खा रहे हैं, तो मैगी वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद भाई साहब ने शाम को कुछ व्यवस्था करी है, चिकन विकन की करी है ना, तो शाम को हम बॉनफायर में आराम से बैठ के यहाँ नेचर को एंजॉय करेंगे और गप्पे सप्पे मारेंगे और गिटार बजाएंगे। मेहता जी ने थोड़ा जुगाड़ सेट कर दिया यहाँ पे ताकि लोग भटके ना। तो गाइस ये है वो वाटरफॉल, हमने थोड़ा बहुत नहा धो के थोड़ा एंजॉय कर लिया यहाँ पे, काफी अच्छा लगा हमें। और तुम भाई कह रहे हैं कि इससे नीचे भी एक और वाटरफॉल है, प्लस एक और चीज है यहाँ पे, हमने देखा कई लोगों ने यहाँ पे ना ये प्लास्टिक की बोतलें वगैरह डाली हुई है, अभी हम इन बोतलों को उठा के ले जाएंगे यहाँ से।